भाई दोस्तों, आज अपनी गाड़ी नहीं भरी है, उसकी खुशी में आप लोगों को कुछ चेस दिखा रहा हूँ। आप लोग फुल एंजॉय लीजिए और आप सभी लोगों के प्यार दुलार से हमारी गाड़ी भरना चाहिए भाई। पूरा आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए और फुल एंजॉय लीजिए। आप लोग देख रहे हैं एकदम फुल एंजॉय के साथ, हम भी खुश हैं, आप भी खुशियाँ पाइए और जियो और जीने दीजिए फुल एंजॉय। ट्रांसपोर्ट पर आके आप लोगों को गाड़ियां दिखाई, फिलहाल आप लोग देखिए पूरा ट्रांसपोर्ट। इस समय मालूम पड़ रहा है कि भाई यहाँ ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर डाक कामर्स वाली गाड़ियां खाली करके आ चुकी हैं, डाक कामर्स से आई हुई हैं सारी गाड़ियां। देख रहे हैं पोस्टर लगा हुआ है, ये हमारे ब्रजमान भाई साहब की गाड़ी। हेलो दोस्तों, न्यू ब्लॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारे भाई के साथ एंजॉय कीजिए। और भाई माता पिता भाई बहनों को नमो बुद्धाय, टेस्ट दिले। और फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ एंजॉय कराते हैं और पहुंचाते हैं अपनी गाड़ी के पास। तब तक बने रहिए आप लोग, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं गाड़ी के पास। भाई दोस्तों, मौसम कितना रंगीन हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, एकदम बदरीला भी है, बारिश आने के भी चांस पूरे पूरे हैं। फिलहाल भाई चलते हैं, पहुँचते हैं अपनी गाड़ी के पास। दोस्तों गलियों की कंडीशन देख रहे हैं कितनी बढ़िया हो रही है बारिश की वजह से। दोस्तों कल पानी गिरा, इसी के वजह से देख रहे हैं गलियों में पानी अभी भी भरा पड़ा है। सुबह का टाइम है और देख रहे हैं गोची चौक पर कितनी सारी लेबर खड़ी हुई है। फिलहाल सुबह सुबह का टाइम है और इधर भी सारी ट्रैफिक देख ही रहे हैं आप लोग। भाई दोस्तों इस समय किले में बैठा हुआ हूँ, भाई ट्रांसपोर्ट पर जा रहा हूँ गोची से, बस थोड़ा ही दूर बचा अपना ट्रांसपोर्ट और आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं पहुँचता हूँ अपनी गाड़ी के पास। लेबर चौक कितनी सारी खड़ी हुई है आप लोग देख रहे हैं, इस समय लेबर ही लेबर दिखाई दे रही है रोड पर। भाई दोस्तों आप लोगों के लिए एंजॉय करने के लिए फिलहाल यहाँ पर देसी ठेका भी है। तो भाई इस समय ट्रांसपोर्ट पर आ चुका हूँ और देख रहे हैं इस समय मालूम पड़ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि कामर से सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को पास से दिखाता हूँ, और एक ही हमारा शेर आ रहा है, देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को पास से। हाँ खेच का ये देखो भाई, शेर हाथ लाते हुए आ रहा है। ये देखिए दोस्तों सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, इस समय डाक कांवर खाली करके भाई अगले जो ड्रामा का है। भाई लोग देखिए आपकी मालूम पड़ रहा है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, कितनी सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। और सामने ये ट्रांसपोर्ट है अपनी पहली बिल्डिंग, एकदम गाड़ियां में गाड़ियां आई हुई हैं भाई साहब, सभी लोग देख रहे हैं कामर से। तो ट्रांसपोर्ट पर आके आप लोगों को गाड़ियां दिखाई, फिलहाल आप लोग देखिए पूरा ट्रांसपोर्ट। इस समय मालूम पड़ रहा है कि भाई यहाँ ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर डाक कामर्स वाली गाड़ियां खाली करके आ चुकी हैं, डाक कामर्स से आई हुई हैं सारी गाड़ियां। देख रहे हैं पोस्टर लगा हुआ है, ये हमारे ब्रजमान भाई साहब की गाड़ी डाक कामर से आई हुई है, देख रहे हैं पोस्टर लगा हुआ है, हरिद्वार से डाक कामर खाली करके सारी गाड़ियां आ चुकी हैं इस समय। भाई इस समय लग रहा है कि हाँ यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट है। दोस्तों इस समय मालूम पड़ रहा है भाई ट्रांसपोर्ट, जबरदस्त ट्रांसपोर्ट है। गाड़ियां गिनती करो आप लोग कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। फिलहाल देखिए ये अपनी खड़ी है सामने, त्रिपाल लगी है, पीली चमक रही है, और भी खड़ी हुई है भाई साहब, इससे आगे भी खड़ी हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा गाड़ी, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है भाई, ज़िंदगी में पहली बार इतनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि कल छुट्टी का दिन था और कामर की सारी गाड़ियां कामर खाली कर करके आई हैं, इसीलिए आज सोमवार है और इसकी वजह से भाई गाड़ियां देख रहे हैं आप लोग कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं एकदम लाइन लगा के। गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है भाई साहब, यादव ट्रांसपोर्ट कंपनी सेक्टर 56 फरीदाबाद हरियाणा। फिलहाल 3-4 गाड़ी तो जा चुकी हैं लोडिंग पर, देख रहे हो बोर्ड लग रहा है कामर का। भाई दोस्तों इस समय हमारे गेट में कुछ ज़्यादा दम नहीं है, फिलहाल दो ही गाड़ी लगी हैं, दो तीन छोटे मोटे प्रोग्राम निकले हैं। फिलहाल देख रहे हैं आप लोग सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। हेलो दोस्तों, भाई आज तो अपनी गाड़ी भरी नहीं है, फिलहाल मैं आप लोगों को अपनी गाड़ियों का हाल दिखाते हैं कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। इस समय मार्केट में बहुत बुरा हाल है, बस 2-4 गाड़ी लगी हैं छोटी, कानपुर वगैरह छोटी वगैरह गई हैं, बाकी कोई गाड़ी नहीं लगी है।
और फिलहाल मैं अपनी गाड़ियां दिखाते हैं, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। कल संडे का दिन था और कांवड़ यात्रा करके सारी गाड़ियां आई हैं, बहुत सारी इस समय गाड़ियां ट्रांसपोर्ट पर हैं। इस समय पहला ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ ये ट्रांसपोर्ट पर इतना बुरा हाल है, कभी इतनी गाड़ियाँ नहीं हुई जिस समय इतना गाड़ियाँ हो रही हैं। फिलहाल आप लोग देखिए, भाई साहब देखिए कितनी गाड़ी खड़ी हैं, भाई भाई अपने ट्रांसपोर्ट पर देख रहे हैं कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इतनी गाड़ियां कभी नहीं मिली होंगी आप लोगों को देखने के लिए, और मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और इधर हमारे सेठ जी देख रहे हैं फिल्टर खुलवा रहे हैं। भाई देखिए इस समय, और ये रही डाक कांवड़, प्रथम तूफानी डाक कांवड़, अभी भी बोर्ड भी नहीं छूटे हैं भाई। कल सारी गाड़ियां आई हैं डाक कांवड़ खाली करके, और ये देखो खड़ी हैं, और ये अपनी राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है, देख रहे हैं आप लोग गिनती करना कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। ये अपनी राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है, और भी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे ट्रांसपोर्ट का हाल देखा, इस समय मार्केट बहुत बुरी है, कुछ कामर की वजह से मानो चाहे कैसे भी मानो, कुछ अपनी किस्मत ख़राब है। और भाई अपनी गाड़ी ये खड़ी है सामने, फिलहाल भाई गाड़ी नहीं भरी है, और आप लोगों को मैं सारा कुछ दिखाई दिया था वीडियो में कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। और भाई अपना वीडियो इस समय यहीं पर ख़त्म होगा, अगर अपना इस भाई से कोई भी गलती हो तो छोटा भाई समझ के प्लीज़ माफ़ करें, और आप लोग ऐसा प्यार दीजिए ये भाई भी एक बार बुलंदी छूने को तैयार हो जाए। और हमारा वीडियो इस समय यहीं पर ख़त्म होगा। माता पिता भाई बहनों को नमो बुद्धाय, टेस्टी दिले, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।